तो कैसे हैं आप लोग। तो कल मैं YouTube में घूम रहा था तो मैं एक अंधेरी गली में चला गया जो थी फूडी व्लॉगर्स की। वहां पर एक बंदा 100 रुपए में अनलिमिटेड फूड बेच रहा था, तो मुझे लगा क्यों ना इसके पास जाना चाहिए। तो मैं वहां पर चला गया, उस दुकान का नाम था सोनू मिष्ठान भंडार। वहां जाके देखा कि सोनू मिष्ठान भंडार पर मिठाइयां है ही नहीं, उसी के साथ ही वहां पर लोग छोले कुलचे खा रहे हैं, उसी के साथ ही साइड में एक मेडिकल स्टोर है। तो मुझे लगा शायद मिठाइयां ना बिकती हो, इसलिए इन लोगों ने यहाँ पर छोले कुलचे बेचना शुरू कर दिए हैं। तो मैंने अपने साइड वाले बंदे की जेब में हाथ डाला और उसकी जेब से 2000 का नोट निकाला। तो उस बंदे ने मुझे निकालते हुए देख लिया, तो कायदे से उस बंदे ने मुझे एक दो लगाना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने एकदम मुस्कुराते हुए देखा। तो आपको क्या लगता है, उसके मुझे मारना चाहिए था या फिर नहीं? अगर आपका जवाब हाँ है तो भाई साहब किसी का भला सोच लो, अगर मैं छोड़ दिया तो क्यों मुझे पिटवा रहे हो। तो ठीक है, बात पर आते हैं। तो उस बंदे ने मुझे हंसते हुए देखा, उसी के साथ ही वो बोला इसका क्या करोगे, ये तो बंद हो चुके हैं। मैंने बोला कि ये तो अब बैंक में चेंज हो सकते हैं, मैं बैंक में चेंज करवा लूंगा। तो बोला मैं बैंक से ही आ रहा हूँ, कल का मैं बैंक में खड़ा था उसी के साथ ही यहाँ पर सब एक नोट चेंज करा थे 2000 का। वो खड़ा खड़ा बीमार हो चुका था, उससे भाई साहब वो मतलब मेडिकल स्टोर से दवाई लेने के लिए आया हुआ था। उस बंदे ने मुझे अपना बिल दिखाया और कहा देखो मैं 2000 रुपये का चेंज करवाने के लिए गया था और यहाँ पर 2500 रुपये का बिल आ गया मेरा। तो इसका मतलब उसके बैंक में लाइन में खड़ा खड़ा उसकी तबीयत खराब हो चुकी है। उसी के साथ ही इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, इससे हमें सीखने को मिलता है कि अगर मिष्ठान भंडार पर मिठाइयाँ ना बिक रही हुए तो छोले कुलचे लगा लेने चाहिए। तो ठीक है, अब आते हैं कंटेंट पर। हेलो थोर, क्या तुमने कैप्टन अमेरिका को देखा? यह कैप्टन अमेरिका कौन है? कैप्टन अमेरिका एक शील्ड वाला बंदा है, उसके हाथ में शील्ड है और ब्लू कलर के कपड़े पहनता है। अच्छा, वो उसको तो मैंने कल ही मार दिया था। मार दिया था मतलब? मैंने काफ़ी मारा उसके साथ ही, मैंने उसको एस गार्ड में जाकर बंद कर दिया। थोर ये तुमने क्या किया, वो हमारा फ्रेंड था। आयरन मैन मुझे क्या पता वो हमारा फ्रेंड था, वो मुझसे दुश्मनी करना चाहता था तो मैंने उसे काफ़ी मारा। तो ठीक है, तुम इसे वापस पृथ्वी पर भेज दो और ये बारिश बंद कराओ। यार कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पर। चलो ठीक है, मैं बारिश बंद कराता हूँ। हैमडल। हेलो गाइस, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। उसी के साथ ही मेरी दोस्ती हो चुकी है थोर के साथ। मुझे नहीं पता था वो आयरन मैन का दोस्त है, इसलिए मैं उसे पीटना शुरू कर दिया था और मैंने उसे काफ़ी ज़ोरदार मारा और उसने मुझे पकड़कर एस्गार्ड में बंद कर दिया। तो अगर मैं पिछले एपिसोड नहीं देखा तो उसे जाकर देखो, काफ़ी मज़ेदार है। तो ठीक है, यहाँ पर मुझे किसी बिल्डिंग पर लैंड करना पड़ेगा कि अगर धरती पर लैंड करूँगा तो भाई साहब यहाँ पर ये मानो कि कोई ना कोई गाड़ी मुझे कुचल कर चली जाएगी। तो कोई सेफ सी लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी। उसी के साथ ही यहाँ पर तो कोई सेफ लोकेशन, ओके सामने तो जो बिल्डिंग देख रही है एकदम कांच की, काफ़ी बेहतर है। तो ठीक है, मैं इस पर जाकर ही लैंड करता हूँ। उसी के साथ ही देखते हैं लॉस सैंटोस सेफ है या फिर नहीं। अगर सेफ है तो मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊँगा। तो ठीक है, मैं यहाँ पर उतर चुका हूँ। उसी के साथ ही काफ़ी अच्छी लैंडिंग मेरी हुई है। तो इस लैंडिंग के लिए आप एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। उसी के साथ ही यहाँ पर शहर की हालत देख सकते हो, काफ़ी मुझे तो बेहतर लग रही है। आपको कैसे लग रही है कमेंट करके ज़रूर बता दो यार। तो यहाँ पर काफ़ी गाड़ी आ रही है तो कोई मुझे दिक्कत लग नहीं रही। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं यार, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी यहाँ से नीचे उतरता हूँ और मुझे लगता है यहाँ पर कोई दिक्कत आने वाली भी नहीं है। तो मैं यहाँ से जंप लगाता हूँ, कोई गाड़ी बाइक जो भी मिलेगी उसे लेकर मैं अपने घर की तरफ चला जाऊँगा। तो ठीक है, यहाँ से जंप लगाते हैं और दोबारा से मैं पैराशूट खोल सकता हूँ, लेकिन नहीं कोई दिक्कत नहीं है। इतनी ज़्यादा छोटी मोटी जंप तो मैं वैसे भी लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर एक बाइक वाला है तो मैं इसको छीन लूँ, तो ये ले मेरे बट्टे। तो ठीक है, मैं यहाँ पर इसकी बाइक छीन लेता हूँ कि यहाँ पर गाड़ी टक्कर ना मारे, इसलिए भाई साहब ये तो मर गया। तो ठीक है, मेरे पर ब्लेम ना लगे इसलिए मैं जल्दी जल्दी यहाँ से निकलता हूँ। तो शहर को सेफ देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है कि किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं है। हर कोई भी दिक्कत हो तो हमसे बात कर सकता है, हम सारी दिक्कत सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो बाइक है ये इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है जैसी मेरी बाइक है, वो काफ़ी मस्त लगती है, लेकिन ये एकदम मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है और इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं है, ठीक ठाक है। तो ठीक है, यहाँ पर एक गाड़ी वाला बंदा आ गया तो मुझे यहाँ से थोड़ा स्लो डाउन करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर जाम लगा रखा, ये क्या यहाँ पर कोई हो रही है? तो ठीक है, यहाँ पर इसके पास भी शील्ड है और इसने मेरा टायर पीछे वाला ख़त्म कर दिया है। तो ओ भाई, टायर ही पूरा उतर चुका है। तो ठीक है, जल्दी जल्दी यहाँ से उतरते हैं और इसे भिड़ते हैं, देखते हैं ये है कौन। हे, मेरा नाम है कैप्टन अमेरिका। मेरा नाम है वंडर वुमेन। तो तुम यहाँ पर क्या करने आई हो और है और कौन तुम? हमने तुम्हें पहले तो नहीं देखा। तो तुमने अभी अभी एक बंदे को मारा है, तो उसका बदला मैं लेने के लिए आई हूँ। देखो, मैंने उस बंदे को जानबूझकर नहीं मारा, मैं सिर्फ उससे बाइक लेना चाहता था। तो ये भी एक क्राइम है, तुम इसकी तुम्हें सजा ज़रूर दूंगी। अगर तुम्हें भिड़ने का इतना शौक ही है तो ठीक है, मैं भिड़ लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भिड़ने से 1% डर नहीं लगता। अच्छा, तुम्हें भिड़ने से डर नहीं लगता तो मुझे भी किसी को मारने से डर नहीं लगता। तो मैं अब देखना चाहती हूँ तू कितना ज़्यादा ताकतवर है। तो चलो ये भी ठीक है, मुकाबला टक्कर का है। तो यहाँ पर मेरे पास भी शील्ड है, तेरे पास भी शील्ड है और कोई पावर्स नहीं है। अगर मैं तुमसे बदला लेकर रहूँगी क्योंकि तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा मीम्स वायरल कर रखे हैं। कौन सा मीम है? एक मैं उसका नाम नहीं लूँगी। अच्छा, वो वेमेन।
तुम्हें पता है, तो ठीक है अब मैं तुम्हें बदला लूंगी उसी चीज का, काफी मारूंगी। और उस बंदे की तुमने बाइक छीनी और उससे तुमने मार दिया, उस चीज का मैं बदला लेने के लिए आई हूँ। तो बदले का तो पता नहीं, तू पिटाई काफी ज्यादा जोरदार मुझसे लेने वाली है, तो ये ले और ले। और बताऊँ क्या, तो यहाँ पर छोटी मोटी चीजों के लिए झगड़ा नहीं करते। तुम्हें किसी को मारना छोटी मोटी चीजें लगती है क्या? मैं बाइक चोरी को छोटी मोटी चीज बता रहा हूँ। वो बंदा तो मुझसे, मैंने कह दिया कि गलती से मर गया। गलती से मरा हो या फिर जानबूझ के मरा हो, मरा तो है ना वो। तो मुझे लगता है तुम ऐसे बात समझने वाली हो नहीं, तो तुम्हें काफी बुरे वाला मारना पड़ेगा, शायद उसके बाद तुम्हें अकल आए। तो ठीक है, तुम अपनी जितनी पावर हो सके उतनी पावर लगा लो, मेरे पास जितनी पावर मैं लगा लेती हूँ, देखते हैं कौन किसको कितना ज्यादा पीटता है। चलो ये भी ठीक है, तुम तो मुझसे बच के दिखाऊ, मैं काफी ज्यादा जोरदार मारती हूँ, तो ये लो और मारू, तो ये लो। और यहाँ पर ये गमले काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो इनके अंदर ही तुम्हें दफन कर देती हूँ, इनसे बाहर मुझे तुझे निकलने ही नहीं दूंगी। ठीक है, तुम जितना ज्यादा जोर लगा सको लगा लो, गमलों के अंदर फंसा सको फंसा लो, लेकिन जब भी मैं निकलाना तो ये मानोगे उसके बाद तुम्हारा काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, तुम्हें मैं पीटना शुरू कर दूंगा। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं तुम्हें छोड़ने वाली भी बिल्कुल भी नहीं हूँ। उसी के साथ ही यहाँ पर दर्शकों आप देख सकते हो कैप्टन अमेरिका कैसे मेरे पैरों में गिरा पड़ा है। तो अगर आप अभी के अभी लाइक करते हो तो मैं कैप्टन अमेरिका को मौका दे सकती हूँ कि वो जाए और दोबारा से तैयारी करके आए मुझसे लड़े। तो आप कमेंट करके बताओ मुझे कैप्टन अमेरिका को मौका देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। लोग ऐसे क्या पूछते हो, मुझे पता लोगों की क्या राय है। कैप्टन अमेरिका जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, और मैं तुमसे हारने वाला नहीं हूँ। एक दो मुक्का ही तो मारा है, तो क्यों ज़्यादा चोड़ में हो। तो ठीक है, अब मेरी बारी है। तो ठीक है, यहाँ पर मैं एक बार उठ लेता हूँ, तो उसके पास चलते और देखते हैं वो कितने ज़्यादा ताकतवर हैं। उसने अपनी ताकत दिखा दी और अब हमारी ताकत देखेगी कि कैप्टन अमेरिका क्या चीज़ है। तो क्या लगता है आप लोगों को, मुझे इसे टॉर्चर करके छोड़ देना चाहिए या फिर इसे पूरे मतलब वीडियो में पीटते ही रहना चाहिए या फिर इसे जान से मार देना चाहिए? तो मुझे जान से मारो या फिर ना मारो, मैं तुम्हें एकदम जान से मार दूंगी क्योंकि तुमने एक निर्दोष की हत्या की है। चलो ठीक है, मैंने उसको मार दिया, तो उसके लिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा टॉर्चर करूंगा या फिर तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। ये तुम्हारे लिए छूट है, तुम जो कर सको वो कर लो, और जो मुझसे होगा मतलब मैं सर पैर तोड़ूंगा, उससे ज़्यादा मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ। तुम मेरे पैर नहीं तोड़ सकते, तुमने थोड़ी देर पहले क्या कहा था, तुम मेरे पैर तोड़ोगे। ये देखो अब मैं तुम्हें तोड़ रही हूँ, यहाँ पर देख सकते हो मैंने कैप्टन अमेरिका कितना ज़्यादा बुरी तरह से मार रही हूँ। ये बिना बात की फुटेज क्यों खा रही हो? अच्छा, तुम्हें लगता है मैं बिना बात की फुटेज खा रही हूँ? हाँ, मुझे एकदम 100% लग रहा है तुम बिना बात की फुटेज खा रहे हो, क्योंकि हर 2 मिनट में तुम्हारा एक डायलॉग आ जाता है, गाइस आपने देखा मैंने कैप्टन अमेरिका को पीट दिया। अच्छा ऐसी बात है, तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी। चलो देखते तुम्हें तुम्हारे ऊपर कितना कंट्रोल है। हाँ देख लेना, बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी। चलो ठीक है, यहाँ से निकलते एक बार दिखाता हूँ मैं तुझे कहाँ गई। ओके, उस तरफ है गाड़ी के पीछे। तो ठीक है, एक बार चलते हैं उसको पेलते हैं, देखते हैं भाई साहब कितना ज़्यादा वो छेल सकती है ये लड़की। तो देखा गया इज़्ज़ा, आपने यहाँ पर कैप्टन अमेरिका को मैंने पटक दिया है। वीमेन ये तुमने अब वीमेन क्यों कहा? क्योंकि तुमने ही बोला था कि मैं दोबारा ये नहीं बोलूँगी, गाइस आपने देखा कैप्टन अमेरिका को मैंने पीट दिया है। ओह सॉरी, ये तो मेरी भी गलती से निकल गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, निकल गया, मैंने भी तुझे रोस्ट कर दिया। उसी के साथ ही यहाँ पर मुझे लगता है खेल काफ़ी बड़ा हो चुका है, और तुम्हें इतना ज़्यादा बड़ा मौका देना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो अब तुम्हारे पीटने की बारी आ चुकी है। मुझे नहीं लगता तुम मुझे पीट पाओगे, तुम मुझे कुछ भी नहीं कर पाओगे, मैं काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हूँ तुमसे तो बहुत ज़्यादा, और अब तुम ऊपर से गिरोगे। मुझे नीचे उतरने की टेक्निक का पता है, मैं बिल्कुल भी नहीं गिरने वाला। यहाँ पर देख सकते हो कुछ ऐसी टेक्निक मुझे यूज़ करनी पड़ती है जिससे मेरा बैलेंस बना रहता है। टेक्निक से कुछ भी नहीं होता, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं क्या चीज़ हूँ। पहले सामने तो आ, तू है कहाँ पर? कैप्टन अमेरिका अपने आप गिर गया। ये बच्चों की तरह खुश होना बंद करो और मेरे सामने आओ, मैं दिखाता हूँ तुझे कैप्टन अमेरिका क्या चीज़ है। कैप्टन अमेरिका तुम मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुमसे तो कुछ होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसी बात है तो यहाँ से पहाड़ियों से और यहाँ पर पार्किंग से बाहर निकलते और तुझे मैं बताता हूँ कि कैप्टन अमेरिका क्या चीज़ है और क्या क्या कर सकता है। ये लो तुम्हारे कहने से मैं बाहर आ गई, देखती हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। रुक जाओ, अभी बताता हूँ मैं तुझे क्या कर सकता हूँ। तो ये देख, ये लेक और पटकी, उसी के साथ ही पीछे गई। ओके एक मिनट रुक जा भाई, पीछे चली गई। तो ठीक है, मैं खड़ा होता हूँ, इसको अब ज़्यादा टाइम मैं बिल्कुल भी दूंगा नहीं। मुझे लगा कि लड़की है थोड़ा सा मुझे स्लो मारना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये काफ़ी पावरफुल है, तो इसको काफ़ी बुरी तरह से मुझे पेलना पड़ेगा। उसी के साथ ही यहाँ पर गाड़ियाँ बीच में आ रही है, लेकिन ये मेरे शील्ड को नहीं रोक सकती। तो ठीक है, यहाँ एक मिनट, इसने भी शील्ड फेंक की मारी। उसी के साथ मैं यहाँ पर दूसरी शील्ड बच चुका हूँ। तो ये ले एक मिनट भाई, ये तो मुझसे उल्टी पड़ गई। तो कहाँ गई? तो ओके पीछे की तरफ है। ओ भाई एकदम से काफ़ी जल्दी से डिस्टेंस चेंज कर, मतलब कवर कर लेती है, एक दूसरी जगह से दूसरी जगह पर निकलती है।
तो ठीक है, यहाँ पर अब जल्दी जल्दी इसको मारने की तैयारी करते हैं। मारना नहीं है, इसको काफ़ी बुरी तरह से डैमेज करना है। डैमेज करना है, मैं कोई गाड़ी नहीं हूँ। आई नो गाड़ी नहीं हो, लेकिन तुम्हारे हाथ पैर टूट जाएंगे, उसके बाद यही मानो कि डैमेज ही हो। तुम मेरे हाथ पैर तोड़ोगी तो अभी मैं तुझे बताऊंगी कि मैं क्या चीज़ हूँ। मैं तुम्हें एकदम जान से अभी एक ही झटके मार सकती हूँ। अच्छा, अगर एक झटके मार सकती हो तो मुझे मरना है, तुम जल्दी जल्दी मारो। तो ठीक है, एकदम तैयार रहो, मैं तुम्हें जान से मारूंगी। मैं तो भाई साहब 15 मिनट का तैयार हो, तुम मुझे जान से मार के देखो। तो यहाँ पर अब इसको बुरी तरह से पटकी देने की बारी आ चुकी है। हर पटकी इसको मतलब कुछ ना कुछ टूटना चाहिए, हाथ पैर। तो ठीक है, मुझे लगता है फाइनल पटकी देने की बारी आ चुकी है। तो क्या लगता है, मुझे इसको मार देना चाहिए या फिर नहीं? तो 3, 2, 1। तो यहाँ पर देख सकते हो, मुझे लगता है ये इसके लिए काफ़ी है और ये काफ़ी दूर जाके गिरेगी और इसके हाथ पैर टूटना 100% फाइनल है। तो ठीक है गाइज, यहाँ पर काफ़ी दूर चली गई गाइज। तो ठीक है, वो आती रहेगी। उसी के साथ ही आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लो यार। तो आज भी नहीं मिलते हैं किसी और वीडियो में, तो कमेंट करके बताओ आपको किसके वर्सेस में कौन चाहिए, तभी मज़ा आएगा यार। आप बताओगे तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना। बाय।